Now we recall this chapter again, okay? So in chapter we have discussed animals and their habitat. हमने क्या discuss किया था? Animal और उसके habitat, मतलब उसकी रहने की place, जगह जहाँ पे वो रहता है. Animals that live on land, animals that live in water, animals that live both on land and in water. हमने कौन से animals देखे? कुछ animals हमने देखे जो land पे रहते हैं, जैसे कि tiger, lion, dog, कैट. दीज आर द एनिमल हु लिव ऑन लैंड, जो कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे रहते हैं. और लैंड पे भी क्या है उनका? दो टाइप के हमने घर भी देखे हैं ना, एक मैन मेड हाउस होता है और एक नेचुरल हाउस होता है. तो नेचुरल हाउस में कौन रहते हैं? जो वाइल्ड एनिमल्स हो, जो कहाँ पे रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं. जो उनका जो घर है उन्हें हम क्या बोलेंगे? नेचुरल हाउस कहेंगे. और जो हम पालते हैं, हम ह्यूमन बींग्स जो अपने घरों में रखते हैं, उन एनिमल्स की घरों को हम क्या कहेंगे? मैन मेड हाउस कहेंगे. ओके, नेक्स्ट. देन एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, जैसे कि फिश, ऑक्टोपस, शार्क, व्हेल, दीज आर द एनिमल हु लिव इन वाटर. और उसे हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं. देन वी डिस्कस एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. अब कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दोनों जगह रह सकते हैं, वो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर पे भी रह सकते हैं, ठीक है? जैसे कि क्रोकोडाइल्स हो गया, टॉर्टोइस, फ्रॉग, दीज आर द एनिमल्स हु लिव इन बोथ लैंड एंड इन वाटर. और इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? एम्फेबियंस भी कहते हैं. देन वी डिस्कस मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स है अपने एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं, इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर. ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज गैलोप, स्लाइडर, क्लाइंब, वॉक, फ्लाई एंड रन. सब एनिमल्स का जो मूवमेंट का तरीका है ना वो अलग अलग है. कुछ जो है वो लटक कर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, कुछ जो है चल कर जाते हैं, कुछ फ्लाई करके जाते हैं और कुछ दौड़ कर जाते हैं. देन एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, हमने यहाँ फिर क्या देखा? एनिमल्स देखा और उनके बेबीज देखे, जैसे कि लायन एंड कब, काउ एंड काल्फ, डॉग एंड पपी, हॉर्स एंड फोल, कैट एंड किटन, डक एंड डकलिंग, एलिफेंट एंड काल्फ, हैन एंड चीक. ये सारे एनिमल्स हैं और उनके बेबीज हैं. देन वी डिस्कस टुडे यूजेस ऑफ एनिमल्स. और आज हमने क्या देखा? यूजेस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स हमारे लिए कहाँ यूजफुल है, हमारे लिए कहाँ उपयोगी है. फॉर एग्जाम्पल, काउज एंड बफेलोज गिव मिल्क, काउ और बफेलो में क्या देते हैं? मिल्क देते हैं. देन शीप गिव अस वूल, देन बीज गिव अस हनी, डोंकी कैरीज लोड, ऑक्सन प्लग द फील्ड एंड सिल्क वॉर्म गिव अस सिल्क. तो ये एनिमल कुछ है जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है. ओके, सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एनिमल्स अराउंड अस. सो यू हैव टू रीड द चैप्टर प्रॉपरली. ओके, थैंक यू.